तो दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके अंदर जो इट्स नॉट इजी एट ऑल ब्रो। काफ़ी देर बाद मैंने मटर बिर मटन बिरयानी मटन बिरयानी तो अभी आके तो जब हम उधर पहुंचे तो जब हम उधर पहुंचे नाश्ते के लिए तो हमने नाश्ता किया। जब जब हम उधर पहुंचे नाश्ते के लिए तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी फिर क्या है? जो बाकी पिछली ईदें गुजरी हैं, ईद उल अज़हा की बात कर रहा हूँ, उसमें सीन ये होता है कि सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के तो हाँ तो बात करते हैं उस वीडियो के रिलेटेड जो मैंने पिछले लोग हाँ तो आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये तो आपका दोस्त तो यार मैं उधर से बूम बटन दे के तो यार यार जो भी है उफ क्या बिरयानी थी यार उफ का ओए मैन उफ का जिंदगी बेवफा है ये माना मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर ब्रो अगर तुम नेटफ्लिक्स देखते हो ना और अगर तुमने अभी तक मनी हाइस्ट सीजन नहीं देखा तो यकीन करो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो अस्सलाम वालेकुम हाँ जी कैसे हो? ठीक हो? तो अब अच्छी अच्छी खबर शेयर करते हैं। तो ये थी सीरियस बात। खैर तो ये थी सीरियस बात मैंने सोचा बता दूं तो ये थी सीरियस बात हम तकरीबन 2.5 माह कर रहे हैं एक दूसरे से दूर। हम 6 लोग तो कैसा गुजरा आपका टाइम कर बहुत कोशिश करूँ नहीं है नहीं सी सुबह सो तो फिर उर्दू बोल और अगर मैंने आपको कभी कोई परेशानी दी हो कोई टेंशन दी हो और शुरू से आते हैं यार इसके अबाउट के शायरी वो ये था कि शेर पहला कौन सा था यार तो अस्सलाम वालेकुम यार आज जुम्मा है सबसे पहला जुम्मा मुबारक आपको। तो आज जुम्मा था क्योंकि जिम ऑफ था। जब हम बॉक्स के करीब जाते हैं तो इसके ऊपर कंपनी का नेम और लोगो लिखा हुआ है वाह वाह सीन ये है कि लेक्चर हो चुके हैं खत्म अब हम जा रहे हैं इधर देख के बोल कैमरे में नाना की लग गया कैमरे में देख के बोल एक मिनट रुक। तो यार मुझे इतना भाई तो बात अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की करें अच्छा जी तो फाइनली अब आते हैं वीडियो के मेन मकसद पे। तो अब आते हैं वीडियो के मेन मकसद पे। ये जो वीडियो बन रही है ये वन टेक वीडियो होगी क्योंकि ये पिछली जो वीडियो आपने देखी है वो थे ब्लूपर्स जो मैंने गलतियाँ की थी अपनी वीडियो में। लेकिन ये जो वीडियो होगी ये वन टेक वीडियो होगी। इसमें जो भी गलतियाँ होगी वो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैसे कोई अल्फाज गलत प्रोनाउंस हो जाता है या भूल जाता है। कोई बात नहीं। खैर तो आप तो देखते हैं 5 मिनट की या 6-7 मिनट की वीडियो लेकिन उस वीडियो के पीछे जितनी मेहनत लगती है अगर वो स्क्रिप्टिंग वाला व्लॉग है तो उसमें लिखने की मेहनत लगती है। अगर वो सिंपल स्पॉन्टेनियस व्लॉग है तो उसमें बोलने की मेहनत लगती है। शूटिंग की मेहनत लगती है। तो आप देखते हैं वीडियो 5-6-7 मिनट की लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है सारे पैसे हैं उसके इरफान भाई। खैर तो अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं कुछ भी
वीडियो के रिलेटेड हो गया, अपनी ज़िंदगी में हो गया। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं शुरू, तो शुरू शुरू में तो आपको उसकी जो परेशानियाँ होंगी, थोड़ी मुश्किलात होंगी, वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब कोई बंदा नया काम शुरू करता है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। जब एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसमें वो गलतियाँ करता है, जब गलतियाँ करता है तो उससे सीखता है, और जब सीखता है तो उस काम में उसको थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देने लग जाती है। तो वो भी है ना कहावत के, गलत करेगा फिर सही करेगा, अगर करेगा ही नहीं तो फिर गलत कैसे करेगा और सही कैसे करेगा। जब तक आप अपने फेलियर को नहीं देखोगे, आप सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे। तो खैर, ये थी मेरी 51th वीडियो, 50 वीडियो बना ली मैंने। तो मुझे याद है कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी इसी रूम में, दूसरे एंगल से बनाई थी मैंने वीडियो, और यही ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी मैंने। तो आज भी यही ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है जब मैं ब्लूपर्स बना रहा हूँ, ब्लूपर्स वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी। तो खैर, तो मैसेज जो यही था कि अगर आपके काम करना शुरू, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो वन टेक होगी जो बात है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करें और शुरू करें, क्योंकि आप शुरू करेंगे फिर गलतियाँ करेंगे फिर सीखेंगे। तो खैर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे एडिट करते हुए बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि जो ब्लूपर्स है, जो बिहाइंड द सीन्स और ब्लूपर्स होते हैं ना, वो वीडियो से ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि आप उसमें गलतियाँ की होती हैं, उसमें आपने हंसी मजाक किया होता है दोस्तों के साथ, अगर दोस्तों के साथ वीडियो बनाई हो आपने। तो खैर, बड़ा मज़ा आया एडिट करते हुए और शूट करते हुए मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये वन टेक वीडियो है, कितनी दफ़ा बता दिया मैंने। खैर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह सर्दी आने वाली हैं और फिर मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलूँगा बाकी वीडियोस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और अच्छी बात जो है वो ये है कि कोरोना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं। खैर, तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, चलते चलते ओके, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी देर बाद ये मैंने कहा है।